वेलकम व्यूअर्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स। देखिए, अपन पहले की दो वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। और अपन डिस्कस करने वाले हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, तो आइए देखते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में आज अपन पढ़ने वाले हैं एडिशन वाला फॉर्मूला पढ़ना। एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है, एडिशन की प्रॉपर्टीज अपन इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला के तहत ही जाना है। फॉर्मूला क्या कहता है आपका, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि यही फॉर्मूला के जो है, यही फॉर्मूला अपन को कम्युलेटिव प्रॉपर्टी बड़ी आसानी तरीके से ये 2 मिनट की वीडियो में अपन को ये बता देगा। देखिए, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज कहती है कि ए प्लस बी का सॉल्यूशन बी प्लस ए हमेशा होता है। देखिए कैसे होता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सबसे सिंपल है। अपन एग्जांपल ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, मान के चलिए 5 ले लेते हैं, 5 प्लस 2। ए अपना क्या है, 5 है, और बी क्या अपना 2 है, राइट। बी यहाँ पे अपना क्या, देखिए बी अपना क्या है, बी 2 है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और ए क्या अपना 5 है। देखिए 5 प्लस 2 कितना होता है, 7 होता है, और 5 प्लस 2 क्या होता है, 7 होता है। तो गाइस देखिए, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अपन ने 5 ले लिया, b अपन ने 2 ले लिया, b अपन ने यहाँ पे 2 ले लिया, a अपन ने 5 ले लिया, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा, और 2 प्लस 5 करोगे तो भी 7 आएगा। यही कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज कहती है। और नेक्स्ट जो है अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अगली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए लिंक आपको अवेलेबल है।